गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा यूट्यूब चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। मैं आपकी गार्डनर दोस्त सुनीता। आप ये देख रहे हो, ये मैंने क्रूटॉन्स लगाए हैं। ये क्रूटॉन्स की कटिंग लगाई थी, एक कटिंग इसमें मिट्टी में लगाई थी और एक कटिंग इसमें मैंने पानी में भी लगाई थी। तो ये भी हो गई, ये भी इसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो गई और अच्छी खासी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देख रहे हो आप, ये जब मैंने कटिंग लगाई थी तो ये आधे आधे कट कर दिए थे ये वाले पत्ते। तो ये जो कट किए हुए वो पत्ते पहले के हैं और ये नई ग्रोथ है, ये न्यू ग्रोथ शुरू हो गई इसमें। ये तीन चार पत्तियाँ जो निकली वो नई है ना, तो बड़ी हो गई। और ये वाटर में किया हुआ है पानी में, ये देखो कितनी अच्छी रूट स्टार्ट हो गई है। और काफ़ी दिन हो गए निकले हुए रूट, सारे पत्ते ये नए निकले हैं इसके, ये वाटर में ही निकले हैं और इसमें भी हो गई है ये स्टार्ट हो गई रूट। ये कनेर भी डाले थे, ये तो सूख गए सारे, ये बेकार हो गए। कनेर डाले थे, कुल्हड़ डाले थे, ये नहीं स्टार्ट हुई, इनमें हो गई है क्रूटॉन्स में। ये बड़े बड़े पत्ते वाले, ये जो वाइट इस पर होता नहीं इम्प्रिंट टाइप का, उस टाइप की है। थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ढेर सारा पानी है। अब कितनी अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई है, पानी भी नहीं बदलाया, जब से पड़ा है वही पड़ा है पानी भी, और नया नहीं आया। मेरा ये आइडिया प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देख रहे हो आप, ये खूब अच्छी से ग्रोथ हो गई है, क्योंकि जो पुराने पत्ते थे वो तो झड़ गए थे, बट ये नए नए सारे शूटिंग्स जितने भी रूट्स निकली हैं उनकी वजह से ये नए नए पत्ते निकले हैं। तो ये देखो मेरा, इसमें मेरा हल्दी और काली मिर्च का पाउडर रहता है फंगस अटैक से बचाने के लिए। तो ये मैंने अपने इन पत्तों में डाल देती हूँ प्लांट्स में, तो इससे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि काली मिर्च में कैल्शियम भी होता है और हल्दी है जो फंगस को दूर करती है, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है साथ में अपने गार्डन में, है ना। केमिकल यूज़ ना करो तो ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो मैं इसकी आपको, इसकी भी मैं दिखाती हूँ, इसकी तो खूब अच्छी से रूट स्टार्ट हो गई है मिट्टी में, क्योंकि दोनों एक ही साथ लगाए थे मैंने, तो उसमें तो थोड़ी है और इसमें बहुत है। देखो आप कितनी रूट हो गई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी रूट्स स्टार्ट हो गई हैं। पर पर्सनली पता नहीं मुझे क्रूटॉन्स अच्छा नहीं लगता है, ये इसमें भी बहुत बारीक बारीक हुई है, पर हाँ हो गई है थोड़ी सी। मुझे क्रूटॉन्स अच्छा नहीं लगता, पर इसलिए मैं इसी में लगा रहने दे रही हूँ। इसमें कितनी ढेर सारी हो गई रूटिंग्स, खूब अच्छे से निकल आई हैं। काफ़ी दिन हो गए निकले, मुझे ध्यान ही नहीं था। अब मैं प्लांट्स सारे ऊपर लेके जा रही थी थर्ड फ्लोर पे, तो मैंने सोचा चलो ये पानी वाला भी एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाती हूँ, और ये भी ये देखो ये भी स्टार्ट हो गई, इसमें भी न्यू शूट्स निकलने लगे। ये भी मैंने ड्रेसिना की कटिंग ही लगाई थी हैं, ये देखो इसमें भी न्यू लीव्स, सारी न्यू लीव्स आ गई हैं। और ये देखो मिट्टी इसकी कितनी है सूखी हुई, बिल्कुल ड्राई, ऐसे नहीं कि मिट्टी बहुत गीली रखती है, अगर गीली रखूँगी तो ये जल बिल्कुल सड़ जाती है ना। और ये देखो इसकी तो रूट्स खूब निकल रही हैं, देखो कितनी निकल आई हैं, हैं खूब अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो गई। वाइट वाइट जो दिख रही है ये सारी रूट्स निकल रही हैं इसकी, ये भी कटिंग से ही लगाई थी मैंने। देखो अब आप तो क्लियर दिख रही होंगी आपको, है ये इसके ऊपर और मिट्टी में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें कंपोस्ट के लिए मैंने कचरा वगैरह डाला था, वो नीचे बैठ गया, तो इस पर थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डालनी पड़ेगी। ये भी जो इसमें कोलियस लगा हुआ है ये भी कटिंग से लगाया था, और ये भी ड्रेसिना भी कटिंग से ही लगाए थे। इस तरह के फ्लावर्स रूट इसमें निकलने लगे, कोलियस में तो निकाल दो, तोड़ दो, है ना। जितने भी फूल कोलियस में निकले वो तोड़ तोड़ के फेंकते रहो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।